किसान भाइयों नमस्कार, खेती किसानी में आपका स्वागत है। मेरे किसान साथियों, आज के वीडियो में हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं जो कि नेनहेंस कंपनी का यूएस 2853 टमाटो सीड। मेरे किसान साथियों, टमाटर की खेती करने वाले जो भी किसान हैं इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर टमाटर की आप खेती करते हैं, अच्छे वैरायटी का सिलेक्शन नहीं करते हैं, तो फिर आप खेती में असफल हो सकते हैं। मेरे किसान साथियों, ऐसे तो मार्केट में बहुत सारी वैरायटियां, लेकिन मैं कुछ ऐसी वैरायटियों को जो कि आप लोगों के सामने रखता हूँ, बताता हूँ, जिसकी खेती करके आप अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं और बढ़िया जो उसका है रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर हम बात करें नेनहेंस का जो कि यूएस 2853 है, इसके बारे में, तो ये एक ऐसी वैरायटी है जिसे आप लगा सकते हैं, चाहे तो पाली हाउस में लगा सकते हैं, चाहे तो पाली हाउस के बाहर लगा सकते हैं, खुले फील्ड में लगा सकते हैं, बांस तार और बांस पे लगा सकते हैं, बिना तार और बांस के भी लगा सकते हैं। अगर इसकी खेती अगर आप करते हैं मेरे किसान साथियों, तो आपसे मैं बता देना चाहता हूं कि अगर उत्पादन की बात करें तो उत्पादन बहुत बढ़िया देखने को मिलता है, क्योंकि जो भी किसान लोग टमाटर की खेती करते हैं, अगर उनसे बातचीत आप करेंगे तो पाएंगे कि कम से कम 8 से 10 किलो 12 किलो प्रति पौधा टमाटर ये उत्पादन दे देता है, अगर तार और बांस के सहारे इसे तैयार करेंगे तो। नहीं तो कम से कम 6-7 केजी आसानी से एक पौधे से आप टमाटर ले सकते हैं। हम मान के चलिए कि 6-7 केजी भी एक टमाटर से पौधे लेते हैं तो आप बहुत बढ़िया रेशियो से टमाटर लेते हैं और बहुत बढ़िया आप उत्पादन लेने वाले हैं। अगर टमाटर की आकार की बात करें तो आकार ये गोल रंग का होता है। अगर बात करें वजन की कि कितने वजन का ये टमाटर आ जाएगा, तो अगर वजन की बात करें तो कम से कम 90 से 100 ग्राम, मतलब 90 से 100 ग्राम तक इसका वजन देखने को मिलता है। झुप्पेदार फरता है, गुच्छों में फरता है। इसके साथ साथ अगर हम बात कर लेते हैं कि इसकी जो ट्रांसपोर्टिंग की क्षमता क्या है, तो पकने के बाद इसे 5 से 6 दिन 7 दिन तक आसानी से रख सकते हैं, मतलब टाइट होता है, ठोस होता है, इसे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। लगभग हफ्ते दिन के अंदर ट्रांसपोर्ट इसे करना आसान होता है। मेरे किसान साथियों, अगर बात हम कर लेते हैं कि मतलब यह ट्रांसप्लांट के बाद कितने दिन के बाद हार्वेस्टिंग होता है, तो लगभग 70 दिन के बाद आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, मतलब 70 दिन के बाद हार्वेस्टिंग योग्य हो जाता है ट्रांसप्लांट करने के बाद में। मेरे किसान साथियों, और टमाटर की जो लोग खेती करते हैं, इस जो लोग भी खेती करते हैं इस वैरायटी को ये एक बार ज़रूर आजमाएं, क्योंकि एक वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी है और बहुत ढेर सारे किसान इसका प्रयोग आज भी कर रहे हैं। मेरे किसान साथियों, जो भी किसान लोग खेती करते हैं, टमाटर की खेती हुआ या लौकी का खेती हुआ, मिर्चा की खेती हुआ, गोभी का खेती हुआ, जो भी लोग किसान खेती करते हैं, अगर तकनीकी से आप कर रहे हैं खेती, तकनीकी से अगर उसमें आप जो कि दवा हुआ, खाद हुआ और जितने भी उसके फर्टिलाइज़र हैं तकनीकी से दे रहे हैं, तो आपकी खेती में जो भी कुछ उत्पादन है बहुत बढ़िया उत्पादन होगा। आपको कोई रोक नहीं सकता है लाभ लेने से, क्योंकि अभी देख रहे हैं टमाटर का क्या हाल है, अभी सब्जियों का हाल लंबे समय तक बना रहेगा,